एक साल में तीसरी बार जम्मू के बस स्टैंड पर हमला। हमलावर आया, ग्रेनेड फेंक कर सरेआम भाग गया। चीख पुकार मच गई, कुछ ही पलों में सन्नाटा पसर गया। आखिर जम्मू बस स्टैंड को क्यों बनाया जाता है बार बार निशाना? अब इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ इस धमाके के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। जरा सोचिए, ये जगह हमलावर के लिए कितनी आसान रही होगी। भीड़ भाड़ वाली जगह में वो आया, ग्रेनेड फेंक कर आसानी से भाग गया और किसी को पता भी नहीं चला। चश्मदीदों से सुनिए उस वक्त आखिर बस स्टैंड पर क्या मंजर था। जैसी दुकान पे पहुंचा, वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज आई और उस आवाज को सुनते ही मतलब ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा या कोई धमाका हुआ। उसके दो मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। सर, हम इधर काम पे लगे थे, अचानक धमकारा हुआ, हम आगे देखे, हमने सर गाड़ी का टायर फटा। जैसे हम आए इधर, हमने देखा 10-15 बंदे लथपथ खून से हो गए थे। बस स्टैंड पर हुए इस ग्रेनेड हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जख्मी हालत में खून से लथपथ इधर उधर पड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। आनन फानन में घायलों को उठाए जाने लगा। इस हमले में 30 लोग जख्मी हो गए, जबकि 17 साल के एक लड़के की जान चली गई। हमने ना सर इधर खड़ा था तो हमने धमाका सुना। जैसे धमाका सुना, मैं इधर आया, दौड़ते उधर 5-6 आदमी पड़े थे खून से लथपथ। हमने एक को उठाया, उसको ऑटो में डाल के फिर हॉस्पिटल ले लिया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद हुए इस हमले ने होश उड़ा दिए हैं। बड़ी बात है कि पुलिस के आला अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे कौन है। The generic inputs are always there. We are, as you may see, the deployments had been made. We were working on leads. We are working on leads all the time whenever we get generic inputs. But there was nothing very specific about this. हालांकि आईजी ने यह जरूर कहा कि हमले का मकसद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना था, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जम्मू के बस स्टैंड को निशाना बनाया गया हो। एक साल के अंदर 3 बार जम्मू बस स्टैंड पर हमला किया जा चुका है। 24 मई 2018, 29 दिसंबर 2018, 7 मार्च 2019। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जम्मू बस स्टैंड को बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है? क्यों हमलावर यहाँ बार बार हमला करते हैं? इसे भी समझिए। जिन लोगों ने इस तरह की वारदातें करनी हैं, वो इस ताक में लगे हुए हैं कि यहाँ पर किसी तरह से अमन चैन और अफरा तफरी का माहौल कायम किया जाए। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। हर संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह सरेआम एक शख्स ग्रेनेड लाकर हमला करता है और आसानी से फरार हो जाता है। इससे आम लोगों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं।